नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम T20 चैनल में स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का इस चैनल में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे ढंग से आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। यूपी कांस्टेबल की लगातार क्लासेस इस चैनल पर आ रही हैं, उसके साथ साथ आप SI UPSI का जो एग्ज़ाम आने वाला है और उसके साथ साथ रिव्यू ऑफिसर के एग्ज़ाम की तैयारी भी आप इससे जुड़ करके कर सकते हैं। हिंदी की क्लासेस लगातार हो रही हैं, उसके साथ साथ GS की भी क्लासेस चल रही हैं। आप सारी क्लासेस से जुड़े रह सकते हैं इस चैनल से जुड़ करके। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, हिंदी की अगली क्लास है, वो है पर्यायवाची। ये जो कि यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, उसके साथ साथ आप UPSI और रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है, उसमें भी 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये टॉपिक आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिलाने वाला है, कोई भी एग्ज़ाम हो। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। पर्यायवाची शब्द हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको एक एक करके बताती जाऊँगी, आप उनको ज़्यादा ध्यान दे करके याद कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अवर्ण से भी जो शब्द स्टार्ट होते हैं, जो अवर्ण से हैं, उनके पर्यायवाची देखेंगे। जैसे सबसे पहला हमारा शब्द है अंक। अंक के पर्यायवाची देखने के लिए देखते हैं, याद करते हैं, संख्या, गिनती, क्रमांक, निशान, चिन्ह और छाप। तो अंक का पर्यायवाची क्या हो गया? संख्या, गिनती, क्रमांक, निशान, चिन्ह या फिर छाप। आपसे प्रश्न में ये नहीं पूछेगा कि अंक के पर्यायवाची बताइए। आपको चार उदाहरण दिए गए होंगे और उनमें से पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा अंक का पर्यायवाची। इसी तरह के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला जो हमारा शब्द है वो है अंकुर। अंकुर का अर्थ देखते हैं, इसके और पर्यायवाची देखते हैं, जैसे कि कोपल, अखुआ, कल्ला, नवोद्भिद, कलिका और गाव। तो अंकुर के क्या क्या पर्यायवाची हो जाएंगे? कोपल, अखुआ, कल्ला, नवोद्भिद, कलिका और गाव। देखिए, इसको याद करने का तरीका ये है, आप बार बार इनको देखेंगे तो याद हो जाएगा। रटने का प्रयास करेंगे, एक वर्ण लिया और बार बार उसको, एक शब्द को रटते जा रहे, तो ऐसे नहीं तैयार हो पाता है। आपको करना क्या है, बार बार इनको आप रिवाइज़ करते रहिए और धीरे धीरे आपको जब वहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा पेपर में, तो आसानी से आप वहाँ पर हल कर पाएंगे। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर लगाएं, क्योंकि अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है अंकुश। अंकुश के लिए पर्यायवाची है प्रतिबंध, रोक, दबाव, रुकावट और नियंत्रण। अंकुश का पर्यायवाची प्रतिबंध, रोक, दबाव, रुकावट और नियंत्रण। अंग के पर्यायवाची याद करेंगे तो अव्यय, अंश, काया, हिस्सा, भाग, खंड, उपांश, घटक, टुकड़ा, तन, कलेवर, शरीर और देह। सबसे ज़्यादा जैसे जो भाग इसमें पूछे जाते हैं वो हिस्सा है, भाग है, तन है, कलेवर है, शरीर और देह है। अगला शब्द है मोस्ट इम्पॉर्टेंट अग्नि, जो बहुत बार पूछा गया है। इसके आप सारे ही पर्यायवाची याद करेंगे, ऐसा नहीं है स्कूल की तरह तीन याद कर लिए और काम चल गया। यहाँ पर आपको सारे देखने हैं। जैसे अग्नि का पर्यायवाची है आग, अनल, पावक, जातवेद, कृषाणु, वैश्वानर, हुताशन, रोहिताश्व, वायुसखा, हव्यवाहन, दहन, अरुण और ज्वाला। आग और अनल बहुत बार पूछा जाता है, पावक भी। इसमें अनल और अनिल में डिफरेंस आपसे पूछ लिया जाता है और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो अग्नि का पर्यायवाची ध्यान करके याद करिए। अगला देखते हैं अंचल। अंचल का पर्यायवाची पल्लू, छोर, क्षेत्र, अंत, प्रदेश, आंचल और किनारा। अगला है अचानक। इसके लिए पर्यायवाची है अकस्मात, अनायास, एकाएक, देवयोग। अटल का पर्यायवाची अडिग, स्थिर, पक्का, दृढ़, अचल, निश्चल, गिरी, शैल और नग। यहाँ पर अचल, निश्चल, गिरी, शैल और नग, ये बहुत बार पूछा गया है पर्यायवाची में। अठखेली, इसका है कौतुक, क्रीड़ा, खेलकूद, चुलबुलापन, उछलकूद और हंसी मजाक। अमृत का पर्यायवाची इम्पॉर्टेंट है, डबल टिक में कर दे रही हूँ जो जो इम्पॉर्टेंट है। अमी, पीयूष, अमी, मधु, सोम,
सुधा, सुरभोग, जीवनोदक और शुभा। अमृत के पर्यायवाची ध्यान करके याद करिए। अयोग्य अब आगे देखते हैं, अनहर, योग्यताहीन, नालायक, नाकाबिल। अब देखते हैं अभिप्राय के पर्यायवाची, प्रयोजन, आशय, तात्पर्य, मतलब, अर्थ, मंतव्य, मंशा, उद्देश्य और विचार। अगला है अर्जुन का पर्यायवाची, भारत, गुडाकेश, काफ़ी बार पूछा गया है, पार्थ, सहस्रार्जुन और धनंजय। ये सभी अर्जुन के पर्यायवाची हैं। अवज्ञा का पर्यायवाची अनादर, तिरस्कार, अवमानना, अपमान, अवहेलना, तौहीन। अश्व के पर्यायवाची काफ़ी इम्पॉर्टेंट, घोड़ा, तुरंग है, बाज, सैंधव, घोटक, बछेड़ा, रविसुत और अर्दा। ये कुछ ऐसे पर्यायवाची हैं जिनसे हर बार प्रश्न आते ही आते हैं। तो एक अर्जुन हो गया, इम्पॉर्टेंट है। दूसरा अश्व, आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। अगला ये भी इम्पॉर्टेंट है, असुर। इसका है रजनीचर, निशाचर, दानव, दैत्य, राक्षस, धनुज, यातुधान और तमीचर। एक बार आप लोग मेरे से सुन रहे हैं, उसके बाद जब खुद से भी रिवाइज करेंगे तो आपको कुछ पर्यायवाची यूं ही याद रहेंगे। नेक्स्ट है अवरोध। इसका पर्यायवाची होता है रुकावट, विघ्न, व्यवधान और अड़ंगा। अतिथि का याद करते हैं, जैसे मेहमान, पहुना, अभ्यागत, रिश्तेदार, नातेदार और आगंतुक। तो ये इम्पॉर्टेंट है अतिथि के पर्यायवाची। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है अतीत, जिसका होता है पूर्वकाल, भूतकाल, विगत और गत। अनेक का देखते हैं, सेना, सैन्य, फौज, वाहिनी, कटक, लश्कर और अनेकिनी। ये किसके पर्यायवाची हैं? अनेक के। अब देखेंगे अनाज के पर्यायवाची, अन्न, शस्य, धान्य, गल्ला और खाद्यान्न। अनाड़ी, इसका क्या होता है? अनजान, अनभिज्ञ, अज्ञानी, अकुशल, अदक्ष, अपटु, मूर्ख, अल्पज्ञ, नौसिखिया, मूढ़, अबोध और नासमझ। अनार का सुनील, वल्कफल, मणिबीज, बीदाना, दाड़िम, रामबीज, शुक्रप्रिया। तो सुप्रिय और ये, इसमें आप देखिए जो दाड़िम है, ये बहुत बार पूछा गया है, तो आप इनको जो शब्द ज़्यादा बार पूछे गए उनको ज़्यादा आप याद रखने की कोशिश कीजिए। जैसे अनार का दाड़िम। अनिष्ट का है बुरा, अपकार, अहित, नुकसान, हानि और अमंगल। अनुकंपा का दया, कृपा, करम, मेहरबानी। अनुपम, सुंदर, अतुल, अपूर्व, अद्वितीय, अनोखा, अप्रतिम, अद्भुत, अनूठा, विलक्षण, विचित्र और निराला। ये सब किसके हैं पर्यायवाची? अनुपम के हैं। नेक्स्ट है अनुसरण। इसका पर्यायवाची है नकल, अनुकृत, अनुगमन। अपमान का अनादर, उपेक्षा, निरादर, बेइज्जती, अवज्ञा, तिरस्कार और अवमान। ये इम्पॉर्टेंट है अपमान, तो इसको तैयार कीजिए। अप्सरा का भी देख लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। परी, देवकन्या, अरुण प्रिया, सुखवनिता, देवांगना, दिव्यांगना, देवबाला। अभय का निडर, साहसी, निर्भीक, निर्भय और निश्चिंत। अभिजात के पर्यायवाची हैं कुलीन, सुजात, खानदानी, उच्च, पूज्य और श्रेष्ठ। अभिज्ञ के पर्यायवाची याद करते हैं, जानकार, विज्ञ, परिचित और ज्ञाता। अभिमान, ये इम्पॉर्टेंट है, गौरव, गर्व, नाज, घमंड, दर्प। स्वाभिमान, अस्मिता, अहम, अहंकार, अहमिका, मान, मिथ्याभिमान और दम। अभियोग के पर्यायवाची हैं दोषारोपण, कसूर, अपराध, गलती, आक्षेप,
आरोप और इल्ज़ाम। अभिलाषा का है कामना, मनोरथ, इच्छा, आकांक्षा, ईहा, ईप्सा, चाह, लालसा और मनोकामना। अभ्यास के देखते हैं रियाज, पुनरावृत्ति, दोहराना और मश्क। अमर इम्पॉर्टेंट है मृत्युंजय, अविनाशी, अनश्वर, अक्षर और अक्षय। ये किसके हैं? अमर के हैं। अमीर के देखते हैं अब धनी, धनी, धनाढ्य, संपन्न, धनवान और पैसे वाला। अनंत के पर्यायवाची हैं असंख्य, अपरिमित, अगणित और बेशुमार। अगुआ का है अग्रणी, सरदार, मुखिया, प्रधान और नायक। अगला है अधर, अधर का होता है रतछंद, रतपुट, होठ, ओष्ठ और लब। इम्पॉर्टेंट है अधर तैयार रखिए। अब देखेंगे अध्याय के पर्यायवाची। अध्याय के क्या होंगे? आचार्य, शिक्षक, गुरु, व्याख्याता, अवबोधक और अनुदेशक। अंधकार का तम, तिमिर, ध्वांत, अंधियारा और तिमिश्रा। अंधकार भी इम्पॉर्टेंट है। फिर आते हैं अनुरूप पे। अनुरूप के पर्यायवाची हैं अनुकूल, संगत, अनुसार और मुआफिक। अंतःपुर, रनिवास, भोगपुर और जनानखाना। अदृश्य इम्पॉर्टेंट है। अदृश्य के पर्यायवाची हैं अंतर्ध्यान, तिरोहित, ओझल, लुप्त और गायब। इसी तरह अकाल के पर्यायवाची देखते हैं। इसके हैं भुखमरी, कुकाल, दुष्काल और दुर्भिक्ष। अशुद्ध के लिए पर्यायवाची है दूषित, गंदा, अपवित्र, असुचि और नापाक। असभ्य के हैं अभद्र, अविनीत, अशिष्ट, गंवार और उजड। अब देखते हैं अधम का पर्यायवाची। इसका होता है नीच, निकृष्ट और पतित। अपकीर्ति का अपयश, बदनामी, निंदा और अकीर्ति। अध्ययन का पर्यायवाची है अनुशीलन, परायण, पठन पाठन और पढ़ना। अनुरोध के लिए पर्यायवाची है अभ्यर्थना, प्रार्थना, विनती, याचना और निवेदन। अखंड के पर्यायवाची हैं पूर्ण, समस्त, संपूर्ण, अविभक्त, समूचा और पूरा। अपराधी इम्पॉर्टेंट है। इसके पर्यायवाची मुजरिम, दोषी, कसूरवार और सदोष। अधीन के हैं आश्रित, माथत, निर्भर, पराश्रित और पराधीन। अनुचित के लिए है नाजायज, गैरवाजिब, बेजा, अनुपयुक्त और अयुत। अन्वेषण के पर्यायवाची अनुसंधान, गवेषण, खोज, जांच और शोध। अमूल के पर्यायवाची अनमोल, बहुमूल्य, मूल्यवान और बेशकीमती। अमूल्य के इम्पोर्टेंट हैं, याद रखिए। अज के पर्यायवाची, अज का है ब्रह्मा, ईश्वर, दशरथ के जनक और बकरा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तैयार रखिए। इसी प्रकार अंधा भी इम्पॉर्टेंट है। नेत्रहीन, सूरदास, अंध, चक्षुविहीन और प्रज्ञाचक्षु। अनुवाद का है भाषांतर, उल्था और तर्जुमा। अरण्य जंगल के लिए बहुत बार पूछा गया है। फिर है कांतार, विपिन, वन और कानन। ये सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं अरण्य के। अवनति, अपकर्ष, गिराव, गिरावट, घटाव और हिराश। अश्लील के लिए पर्यायवाची हैं अभद्र, अधिभ्रष्ट, निर्लज्ज, बेशर्म और असभ्य। अब पढ़ेंगे आवर्ण से जो भी शब्द हैं उनसे रिलेटेड जो भी पर्यायवाची हैं। तो इसमें सबसे पहले शब्द दिया गया है आकुल, और आकुल का पर्यायवाची होगा व्यग्र, बेचैन, क्षुब्ध और बेकल। आकृति के लिए है आकार, चेहरा मोहरा, नयन नक्श और डीलडॉल। आदर्श के पर्यायवाची हैं प्रतिरूप, प्रतिमान, मानक और नमूना। आलसी के पर्यायवाची निठल्ला, बैठा ठाला, थलुआ, सुस्त, निकम्मा और काहिल। आयुष्मान के पर्यायवाची हैं चिरायु, दीर्घायु, शतायु, दीर्घजीवी और चिरंजीव। आज्ञा के लिए पर्यायवाची हैं आदर्श, निदेश, फरमान, हुक्म, अनुमति, मंजूरी, स्वीकृति, सहमति और इजाजत। आश्रय के लिए पर्यायवाची है सहारा,
आधार, भरोसा, अवलंब, प्रश्रय। आख्यान का कहानी, वृत्तांत, कथा, किस्सा और इतिवृत्त। आधुनिक, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अर्वाचीन, नूतन, नव्य, वर्तमानकालीन, नवीन और अधुनातन, सारे ही पूछे गए हैं। फिर है आवेग, इसके पर्यायवाची तेजी, स्फूर्ति, जोश, त्वरा, तीव्र, फुर्ती और चपलता। सारे देखने मैंने बोला है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है ना कि पेपर में नहीं पता क्या पूछ लिया जाएगा। एक दो ही तीन तो पर्यायवाची हैं नहीं, बहुत सारे होते हैं। प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, जैसे मैं आपको बोलती जा रही हूँ ये इम्पॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है। आपको लग रहा होगा इतने ज़्यादा बोलती जा रही मैम, पर इम्पॉर्टेंट है। आप पेपर उठा करके देखिए, तभी आपको पता चलेगा। ज़रूरी है आप जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके पिछले पेपर ज़रूर लगाएं, पिछले वर्षों के प्रश्नों को ज़रूर हल करें। यूपी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उनके साथ साथ टेस्ट सीरीज़ कल से स्टार्ट हो जाएगी। आप चाहें तो चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। ऑलरेडी हिंदी की जो टेस्ट सीरीज़ है, आप मान लीजिए वो तो चल ही रही है। जैसे कि एक टॉपिक कंप्लीट होता तो उसके साथ 100 से 200 प्रश्न मैं सॉल्व करा देती हूँ। अब ये पर्यायवाची कंप्लीट होगा, इसके बाद इसके भी प्रश्न आप सॉल्व कर पाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है। धीरे धीरे आपको और भी क्लासेस यहाँ पर मिलती रहेंगी। अपना टाइम आप दे करके यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं आभूषण का पर्यायवाची। जैसे गहना, विभूषण, भूषण, अलंकार, जेवर, आभरण और मंडन। आलोचना के पर्यायवाची, समीक्षा, टीका, टिप्पणी, नुक्ताचीनी, समालोचना। आरंभ, आरंभ के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे श्री गणेश। शुरुआत, सूत्रपात, प्रारंभ और उपक्रम। आवश्यक के लिए अनिवार्य, अपरिहार्य, जरूरी और बाध्यकारी। आदि के पर्यायवाची हैं, पहला, प्रथम, आरंभिक और आदि। आपत्ति के लिए पर्यायवाची जो दिए गए, जैसे विपदा, मुसीबत, मुसीबत के बाद आपदा और विपत्ति। आकाश मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तैयार रखिए। नभ, अंबर, अंतरिक्ष, आसमान, व्योम, गगन, दिव, द्यो, पुष्कर और शून्य। देखिए पुष्कर में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, यहाँ पर दिक्कत आती है। तो आप ऐसे जो शब्द हैं जिनमें लगता है बहुत ज़्यादा पूछे गए और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ज़रूर तैयार कर लीजिए। आकाश के मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जैसे कि नभ, अंबर, अंतरिक्ष, आसमान, व्योम, गगन, दिव, द्यो, पुष्कर और शून्य। आचरण के लिए है चाल चलन, चरित्र, व्यवहार, आदत, बर्ताव, सदाचार और शिष्टाचार। आ शब्द से और भी पर्यायवाची हैं, जैसे आडंबर। आडंबर के लिए पाखंड, ढकोसला, ढोंग, प्रपंच और दिखावा है। आँख, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे अक्षी, नैन, नेत्र, लोचन, दृग, चक्षु, ईक्षण, विलोचन, प्रेक्षण और दृष्टि। बहुत बार पूछा गया है आँख का पर्यायवाची, बार बार पढ़िए इसको। आगे है आंगन, आंगन का है पर्यायवाची प्रांगण, बगड़, बाखर, अजीर, अंगना और सहन। आम के लिए पर्यायवाची है रसाल, आम्र, फलराज, पिगबंधु, सहकार, अमृत फल, मधुरासव और अम्ब। आम के आप याद करिए। फिर उसके बाद आनंद का याद करना है, आमोद, प्रमोद, विनोद, उल्लास, प्रसन्नता, सुख, हर्ष और आह्लाद। आशा के लिए पर्यायवाची हैं उम्मीद, तवक्को और आस। आशीर्वाद का पर्यायवाची है आशीष, उसके साथ साथ दुआ, शुभाशीष, शुभकामना, आशीर्वचन और मंगल कामना। आश्चर्य के लिए पर्यायवाची हैं अचंभा, अचरज, विस्मय, हैरानी और ताज्जुब। आहार के लिए भोजन, खुराक, खाना, भक्ष्य और भोज्य। आस्था के लिए है विश्वास, श्रद्धा, मान, कदर, महत्व और आदर। आंसू इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। अक्षु, नेत्रनीर, नयनजल, नेत्रवारी और नयननीर, ये आपको दिए गए हैं। आंसू के भी बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। अब हमें पढ़ने ई या फिर ई, छोटी ई है और बड़ी ई है, इन दोनों से ही जो शब्द शुरू होते हैं, सभी के पर्यायवाची। जैसे इंदिरा, इंदिरा के पर्यायवाची लक्ष्मी है, रमा है, श्री है और कमला है। इच्छा की, लालसा, कामना, चाह, मनोरथ, ईहा, ईप्सा, आकांक्षा, अभिलाषा, मनोकामना, स्प्रहा और
लिप्सा। देखिए अभी आप सिर्फ साथ में मेरे साथ तैयार कीजिए, इसके बाद प्रश्न कैसे आएंगे वो सब मैं आपको बताऊंगी। अगले वीडियो में आप वो भी देखने को पाएंगे। इंद्र के पर्यायवाची इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे महेंद्र, सुरेंद्र, सुरेश, पुरंदर, जो बहुत बार पूछा गया है पुरंदर, देवराज, मधवा, पाक रिपु, पाक शासन और पुरहूत। अगला है इंद्राणी। इंद्राणी के पर्यायवाची सची, इंद्रवधु, महेंद्री, इंद्रा, पौलुमी, शतावरी और पुलोमजा। इनकार के लिए पर्यायवाची हैं अस्वीकृति, निषेध, मनाही, प्रत्याख्यान। इच्छुक के लिए हैं अभिलाषी, लालायित, उत्कंठित और आतुर। इशारा के लिए पर्यायवाची संकेत, इंगित और निर्देश। इंद्रधनुष का पर्यायवाची है सुरचाप, इंद्रधनु, शक्रचाप और सप्तवर्ण धनु। इंद्रपुरी के लिए है देवलोक, अमरावती, इंद्रलोक, देवेंद्रपुरी और सुरपुर। ईख का पर्यायवाची गन्ना, हर कोई जानता होगा, पर उसके अलावा है ऊख, रसदंड, रसदंड के बाद है रसाल, पेड़ी और रसद। ईमानदार का है सच्चा, निष्कपट, सत्यनिष्ठ और सत्यपारायण। ईश्वर इम्पॉर्टेंट है, मतलब ईश्वर यूँ भी इम्पॉर्टेंट है और पेपर से भी आप देखेंगे, पेपर के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे परमात्मा, परमेश्वर, ईश, ओम, ब्रह्म, अलग, अनादि, अज, अगोचर और जगदीश। ज़्यादातर बच्चे इनके पर्यायवाची जरूर जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं ईर्ष्या, इसके हैं मत्सर, दाह, जलन, कुढ़न, द्वेष, रस, विद्वेष, वैर और शत्रुता। अब हमें पढ़ने हैं उ या फिर ऊ से जो शब्द शुरू हो रहे हैं, जैसे कि उचित। उचित का है ठीक, सम्यक, सही, उपयुक्त और वाजिब। उत्कर्ष का है उन्नति, उत्थान, अभ्युदय और उन्मेष। उत्पात का है दंगा, उपद्रव, फसाद, हुड़दंग, गड़बड़, उधम। उत्सव के पर्यायवाची हैं समारोह, समायोजन, पर्व, त्यौहार, मंगल कार्य और जलसा। उत्साह के लिए है जोश, उमंग, हौसला, उत्तेजना। उत्सुक शब्द के लिए जो पर्यायवाची हैं वो है आतुर, उत्कंठित, व्यग्र, उत्कर्ण, रुचि और रुझान। उदार के पर्यायवाची उदांत, सहृदय, महामना, महाशय और दरियादिल। उदाहरण के पर्यायवाची हैं मिसाल, नमूना, दृष्टांत, निर्देशन और उद्धरण। उद्देश्य इसके हैं प्रयोजन, ध्येय, लक्ष्य, निमित्त, मकसद और हेतु। उद्यत के पर्यायवाची हैं तैयार, प्रस्तुत और तत्पर। उन्मूलन के पर्यायवाची निरसन, अंत और उत्सादन। उपकार के पर्यायवाची हैं परोपकार, अच्छाई, भलाई, नेकी, हित, उद्धार और कल्याण। इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। आगे है उपस्थित, इसके पर्यायवाची हैं विद्यमान, हाजिर, प्रस्तुत। उपमा के हैं तुलना, मिलान, सादृश्य और समानता। उत्कृष्ट के देखते हैं, इसके हैं उत्तम, श्रेष्ठ, प्रकृष्ट और प्राकृष्ट और प्रवर। अब याद कीजिए उपासना के पर्यायवाची पूजा, आराधना, अर्चना और सेवा। उद्यम, परिश्रम, पुरुषार्थ, श्रम और मेहनत हो जाएंगे। उजाला के प्रकाश, आलोक, प्रभाव और ज्योति, जिन पे भी मैं डबल टिक करूँगी वो आप समझ लीजिए कि इम्पॉर्टेंट है। उपाय के हैं युक्ति, ढंग, तरकीब, तरीका, यत्न और जुगत। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो डबल टिक किए हैं वही पढ़ना है, उसके अलावा भी सारे पढ़ने हैं, किंतु जो डबल टिक कर रही हूँ इसका मतलब वो दोबारा ध्यान दे करके पढ़ना है। फिर है उपयुक्त, उपयुक्त के पर्यायवाची हैं उचित, ठीक, वाजिब, मुनासिब और वांछनीय। उल्टा के जो पर्यायवाची हैं वो है प्रतिकूल, विलोम, विपरीत और विरुद्ध। उजाड़ के हैं निर्जन, वीरान, सुनसान और बियावान। उग्र के पर्यायवाची अब देखते हैं। उग्र के हैं तेज, प्रबल, प्रचंड, उत्कृष्ट, महादेव और तीव्र। उन्नति के प्रगति, तरक्की, विकास, उत्थान, बढ़ोतरी, उठान, उत्क्रमण, चढ़ाव और आरोह। उपवास के
उपवास का है निराहार, व्रत, अनशन और फाका भी कई बार पूछा गया है, और साथ में लंघन। उपेक्षा का उदासीनता, विरक्ति, अनासक्ति, विराग, उदासीन और उल्लंघन हो गए। उपहार के लिए भेंट, सौगात और तोहफा। उपालंब का है उलाहना, शिकवा, शिकायत और गिला। उल्लू के लिए उल्लूक, लक्ष्मी वाहन और कौशिक। ऊंचा, उच्च, शीर्षस्थ, उन्नत और उत्तुंग, इम्पॉर्टेंट है ऊंचा भी। ऊंचा के लिए पर्यायवाची हो जाएंगे उच्च, शीर्षस्थ, उन्नत और उत्तुंग, पढ़ चुके हम लोग। आगे है ऊर्जा। ऊर्जा के लिए पर्यायवाची होंगे ऊज, स्फूर्ति और शक्ति। ऊसर के लिए क्या पर्यायवाची यूज होंगे? अनुर्वर, सस्यहीन, अनुपजाऊ, बंजर, रेत और रेह को बोलते हैं ऊसर। ऊष्मा का पर्यायवाची उष्णता, तपन, ताप और गर्मी। ऊर्जा और ऊष्मा में देखिएगा क्या क्या अंतर है। ऊंट का है लंबोष्ठ, महाग्रीव, क्रमेलक, उष्ट। ऊंग का है तुंद्रा, ऊंचाई, झपकी, अर्धनिद्रा और अलसाई। अब हमें पढ़ने हैं री, ए और ऐसे जो शब्द हैं उनके पर्यायवाची, जैसे कि ऋषि। ऋषि के लिए है मुनि, मनीषी, महात्मा, साधु, संत, सन्यासी और मंत्र दृष्टा। रिद्धि के लिए बढ़ती, बढ़ोतरी, वृद्धि, संपन्नता और समृद्धि। एकता के लिए एका, सहमति, एकत्व, मेलजोल, समानता, एकरूपता, एकसूत्रता, ऐक्य और अभिन्नता। एहसान के लिए पर्यायवाची हैं आभार, कृतज्ञता, अनुग्रह। एकांत के लिए सुनसान, शून्य, सूना, निर्जन और विजन। एकाएक के लिए अकस्मात, अचानक, सहसा और एकदम। ऐश के लिए विलास, अयासी और सुखचैन। ऐश्वर्य के पर्यायवाची हैं वैभव, प्रभुता, संपन्नता, समृद्धि और संपदा। ऐच्छिक के लिए स्वेच्छाकृत, वैकल्पिक, अख्तियारी। ऐप के लिए खोट, दोष, बुराई, अवगुण, कलंक, खामी, कमी और त्रुटि। अब आगे देखते हैं ओ और ओ से जो शब्द हैं उनके पर्यायवाची, जैसे कि ओज। ओज का है दम, जोर, पराक्रम, बल, शक्ति और ताकत। ओझल के लिए है अंतर्ध्यान, तिरोहित, अदृश्य, लुप्त और गायब। ओस के पर्यायवाची इम्पॉर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे तुषार, हिमकण, हिमसीकर, हिमबिंदु, तुहिनकण। ओंठ के भी बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है इनको, जैसे कि होंठ, अधर, ओष्ठ, दंतच्छद, रदनच्छद और लब। और के लिए पर्यायवाची अन्य, दूसरा, इतर, भिन्न, अधिक, ज़्यादा और तथा। इतर भी याद रखिए, बहुत लोगों को इतर नहीं पता होगा। औषधि के लिए पर्यायवाची दवा, दवाई, भेषज और औषध। तो हमने ओ से औ तक, मतलब औ तक जितने भी हैं पर्यायवाची शब्द हमने देख लिए हैं। एक साथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग थोड़े थोड़े करके याद करते हैं। तो आज आप पहले इनको तैयार कीजिए और वीडियो जितना रिपीट करके अभी एग्ज़ाम तक आप लोग देख लेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। बार बार रटने से बेहतर आप वीडियो सुने और एक बार खुद से पढ़ लीजिए तो तैयार हो जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप इम्पोर्टेंस दीजिए और अच्छे से तैयार कीजिए। मतलब महत्वपूर्ण टॉपिक को अलग अलग लिख लीजिए कि ये कितनी बार पूछे जाते हैं, इनसे कितने प्रश्न आते हैं, ये आपको पता रहेगा तो तैयारी करना और भी आसान हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए और लोगों को भी शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे भी इसी तरह से आपको वीडियो मिलते रहेंगे। बहुत ही जल्द मैं और भी क्लासेस लेकर के आ रही हूँ जो केवल फोकस करेंगी यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई के लिए अलग क्लासेस आएंगी और ऐसे ही आरओ के लिए। तो चैनल से जुड़े रहिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें समय समय पर। धन्यवाद।